सिख फैक्ट्स ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। श्री हरिमंदर साहब की जिहड़ी इमारत है, एक इंच मोटी, 3 इंच चौड़ी, 18 इंच लंबी नानक शाही इट नाल बनाई गई है। इस इट की विशेषता यह है कि भावें तुसीं कंध चों एक इट कढ भी दो तां दूजियां इट्टां बिना किसी बदलाव के खड़िया रहिंदियां ने। यह नानक शाही इट की खासियत है, यह डिगदियां नहीं। 66x66 फुट वर्ग के सरोवर के ऐन विचकार 40x40 फुट वर्ग की चौरस आकार की श्री हरिमंदर साहब की पवित्र इमारत है, जिसके चारे पासे 13 फुट चौड़ी परिक्रमा है। अकाल तख्त साहब तो तुसी दरबार साहब के दर्शन कर सकते हो, पर दरबार साहब के अंदर बैठे तुहानू अकाल तख्त साहब के दर्शन नहीं होंगे। दर्शनी ड्योड़ी तो श्री हरिमंदर साहब तक के दरबार की जिहड़ी दूरी है, जिहड़ा पुल जिसनों असीं कहने जो पानी के उत्ते बनिया होया है, 84 कदम है। इस बार जो तुसी जाओगे सचखंड श्री हरिमंदर साहब, तुसी दर्शनी ड्योड़ी तो दरबार साहब हरिमंदर साहब के अंदर तक के जिहड़े रस्ते के कदम ने वो जरूर नाप लैण। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के पवित्र सरोवर का पानी एक सुरंग भाव नहर राही दिता जाता है, जिसनों हंसली अते सिखां वाली नहर करके जाणिया जाता है। 1573 ईस्वी तो लैके अज तक श्री हरिमंदर साहब के सरोवर की, अमृत सरोवर की 11 वार सफाई हुई है, कार सेवा हुई है। अकाल तख्त की इमारत की हेठली मंजिल को कोठा साहब कहा जाता है। इत्थे हरिमंदर साहब की उसारी समय गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान होया करते सन। पुरातन मर्यादा अनुसार श्री हरिमंदर साहब के अंदर कदे भी बोले सो निहाल का जयकारा नहीं लगता। ये अंग्रेजों का कोई योगदान या कोई इतिहास की वो नहीं है, ये सिर्फ यह कि पुरातन मर्यादा है, जयकारा लगता है। अकाल तख्त साहब के उत्ते हरिमंदर साहब के जयकारा नहीं लगता। लोहड़ी तो होला महला तक हरिमंदर साहब के अंदर बसंत राग की कीर्तन मर्यादा है। कोई भी कीर्तन चौंकि आरंभ होने तो पहला बसंत राग का शब्द जिहड़ा है वह गाउना लाजमी होंदा है। दरबार साहब के अंदर 1930 बिजली आई सी, उस तो पहला जिहड़ी रोशनी सी वह घिओ दे दीवे बाल के की जाती सी। पहले विश्व युद्ध दौरान बरतानवी सरकार वालों दरबार साहब की इमारत की पहली मंजिल के उत्ते अखंड पाठ साहब आरंभ कराए गए सन, ते ओदे जित की अरदास की गई सी। गुरपुरबां वेले अते खास दिहाड़ियां मौके समय दरबार साहब 2 घंटे का जलोह का आयोजन किया जाता है। श्री हरिमंदर साहब की पहली मंजिल उत्ते संपूर्ण जपजी साहब, जाप साहब और सुखमनी साहब के पाठ उकरे हुए ने, तुसीं पढ़ सकते हो, जाके दर्शन कर सकते हो। श्री हरिमंदर साहब के तोशाखाना भाव जलोह के गहनिया के स्टोर दियां 4 चाबियां ने, और कमाल की गल यह है कि ये चारों चाबियां क्रमवार, एक चाबी, दूजी चाबी, तीजी चाबी, चौथी चाबी, इन्हां दी एक सीरीज बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू नंबर क्रमवार जदों ये चाबियां चारों लगदियां ने तां उह तोशेखाने का ताला खुलता है, उसके अंदर कोई जा सकता है, समान रख सकता है, कढ़ सकता है। तां जी ये सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के वह फैक्ट्स ने जिहड़े सारिआं नूं पता होने जरूरी ने। हुण तुसीं जदों जाओ 84 कदम भी नापना उपरली मंजिल दे उत्ते, जिथे जाप साहब, सुखमनी साहब, जपजी साहब की बाणी जो है उकरी हुई है, वह भी तुसीं जरूर दर्शन करना। ये सारे फैक्ट्स जिहड़े ने तुहाडे नाल सांझे कीते ने, तुसीं इस नूं अगे वध तों वध आम लोगों तक, संगतां तक जरूर पहुँचाओ। मिलते हैं एक होर नवें वीडियो के नाल। देखते रहो सिख फैक्ट चैनल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।